to compress video to lower size. किसी भी बड़े साइज की वीडियो को कम MB में कैसे कन्वर्ट करें. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनदीप सिंह और आप देख रहे हैं NTC नेटवर्क. तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं जिस कंप्रेसर के बारे में बताने जा रहा हूं उसका आपके लिए बहुत फ़ायदा है, खास करके उन लोगों को लिए जो YouTube की वीडियो ऐसे वीडियो रिकॉर्डर पे बनाते हैं जिसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतने बड़े साइज की वीडियो को YouTube पे अपलोड करना खास करके 2G यूज़र के लिए बहुत मुश्किल होता है. 4G यूज़र के तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो 2G का कनेक्शन यूज़ करते हैं उनके लिए मैं आज सोल्यूशन लेके आया हूँ. तो दोस्तों, ये वो कंप्रेसर है जो आपकी 150 MB की वीडियो को भी सिर्फ 5 MB या 10 MB में कन्वर्ट कर सकता है. तो सोचो, अगर आपके पास 400 MB की वीडियो है तो उसको 60 MB या 50 MB में कन्वर्ट कर देगा. तो इतने बड़े साइज की वीडियो को कम साइज में कन्वर्ट करने वाला ये सॉफ्टवेयर है एडवांस वीडियो कंप्रेसर. जो हमारे व्यूअर हैं उनके दिमाग पे ये क्वेश्चन जरूर चलता होगा कि इतने बड़े साइज की वीडियो को जब वो छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी वीडियो का क्वालिटी है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा. जी नहीं दोस्तों, इस कंप्रेसर के अंदर यही खासियत है कि ये बड़े साइज की वीडियो को कंप्रेस करके जब छोटे साइज में करता है तो उनकी क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी होती है उसमें बहुत कम असर डालता है. मतलब अगर आपकी 100% क्वालिटी की वीडियो है तो उसको सिर्फ 95% की रखेगा, 5% का जो थोड़ा बहुत उसका कन्वर्शन होगा. ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो फाइल, ये फाइल है 139 MB की, ये HD वीडियो है. तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं इस कंप्रेसर के अंदर, तो देखते हैं. इस कंप्रेसर की सबसे बड़ी खासियत यही है दोस्तों कि ये शुरुआत में ही बता देता है कि आपकी वीडियो कंप्रेस होने के बाद कितने MB की रह जाएगी. तो मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ. ये देखिए दोस्तों, सोर्स वीडियो, जो वीडियो का रियल साइज है वो 139 MB शो कर रहा है, और ये नीचे एस्टिमेटेड साइज भी कंप्रेस होने के बाद ये कितने MB की रह जाएगी, ये 5.8 MB दिखा रहा है. तो दोस्तों, इसके और फंक्शनों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको. ये है ऑडियो बाइट रेट, जो इसका किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से जो इसकी प्ले वर्जन है. तो इसमें आप छेड़खानी ना करें तो अच्छी बात है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वीडियो में ऑडियो की खास ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको मिनिमम करके अपने वीडियो का साइज और कम कर सकते हैं. तो 1 MB का फ़र्क पीछे आप अपनी वीडियो को कैसे ख़राब करेंगे. तो मैं चाहता हूँ भी आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपकी वीडियो के लिए. दूसरा ऑप्शन है ये वीडियो पर KB पर सेकंड, 400 KB पर सेकंड का इसका वीडियो फ्रेम रेट है. तो आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं जिससे आपकी वीडियो को क्वालिटी और हाई हो जाएगी, लेकिन वही बात है ना दोस्तों, जितनी आप हाई क्वालिटी चाहो करोगे तो MB भी उतनी बढ़ेगी. वो HD से लोअर HD में आ जाएगा लेकिन वीडियो क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो YouTube पे बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर होते हैं जो आपकी लोअर वर्जन की वीडियो को भी, लोअर क्वालिटी की वीडियो को भी थोड़ा बहुत क्लियर कर देते हैं. तो मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा बढ़ाओगे तो वही बात है, MB बढ़ जाएगी. तो आप इसको जैसे 400 था मैंने 1000 तक कर दिया, तो इतना बढ़ाया इसकी क्वालिटी के लिए. तो दोस्तों, ये एस्टिमेटेड साइज है, इससे आपकी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा MB की भी हो सकती है, थोड़ी कम MB की भी हो सकती है. और ये तीसरा ऑप्शन है वीडियो फ्रेम साइज, आप चाहें तो जैसे साइज की वीडियो है वैसे साइज की रहने दे सकते हैं, और नहीं तो इसके अंदर और ऑप्शन है भी, आप किसी स्मार्टफोन के साथ कंपेटेबल वीडियो को साइज में करना चाहते हैं तो ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देखें तो एक एक करके आप टेस्ट कर सकते हैं. तीसरा ऑप्शन है ये इसकी प्रोफाइल, आप इसको YouTube पे अपलोड करने के लिए बनाना चाहते हैं, Facebook पे अपलोड करने के लिए, iPhone, iPad या वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो.
पांचवा ऑप्शन इसके अंदर ये है दोस्तों कि आप अपने की साइज की वीडियो जो है आपकी वीडियो का साइज AVI में है, जो उसका फाइल फॉर्मेट है AVI में है, 3GP में है, FLV में है, उनको इन चारों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको ओरिजिनल में भी रख सकते हो। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यह इसके कुछ खास फंक्शन, उसके बाद आपको इसको कंप्रेस कर देना है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का क्वालिटी वीडियो की सेम रखने के लिए तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लेता है, वो आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर P4 है, ड्यूल कोर है, i3 है, i7 है, या और भी उससे हायर वर्जन में है, या उसकी ओवरक्लॉकिंग है या नहीं है। तो जितना लो लेवल का कंप्यूटर होगा, लो वर्जन का कंप्यूटर होगा, तो उतना टाइम ज़्यादा लेगी। तो अगर आपके पास i3 है या i7 है तो ये सिर्फ 5 मिनट में आपकी वीडियो कंप्रेस कर सकता है, और अगर आपका कंप्यूटर P4 वगैरह है तो ये कन्वर्टिंग में कम टाइम नहीं लेगा, थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो अभी मेरा P4 कंप्यूटर है तो इतना टाइम ले रहा है, तो हम इसको थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गई है इसकी कंप्रेशन, तो आइए देखते हैं ये इसकी ओल्डर वर्जन फाइल। दोस्तों जहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करोगे कंप्रेस करने के लिए, तो ये वहीं पर ही उसके साइज की एक अल्टरनेट फाइल बना देगा, जैसे उसके आगे सिर्फ ये नेम चेंज करके AVC लिख देगा, जो इसका खुद का वर्जन पोर्ट होती है, एडवांस वीडियो कंप्रेसर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये AVC लिख देगा आगे, बाकी एज इट इज सेम नेम की रहेगी फाइल आपकी। तो ये देखिए दोस्तों, एस्टिमेट में तो ये बता रहा था 11.1 MB की, और रियलिटी में इसका साइज हो गया है 11.8 MB। ये दोनों सेम वर्जन की वीडियो है। अब P4 कंप्यूटर पे इसको प्ले करूँगा तो ये सही तरीके से प्ले नहीं होगी, क्योंकि ये रिकॉर्डर ही ऐसा है, इसके अंदर वीडियो प्ले करने पर ये प्ले हुई वीडियो शो नहीं करता। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल वाला नीचे बटन, वीडियो के जो नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके कोई पैसे नहीं लगते। इस बटन को सब्सक्राइब करने का सब मेन मकसद यही होता है कि हम आगे जो सी भी अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको उनके बारे में पता लग जाएगा कि हमने इस चैनल के ज़रिए और कौन सी अच्छी वीडियो डाली है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।